जितना पहली मोहब्बत दूसरी मोहब्बत करने चलो ना, एक ही बार में खींचती है, क्या है वो एक्स, कभी वो करने ही नहीं देता यार। अब पता है उसको मेरे दोस्तों क्या बुलाती है, इश्क की महफिल में, इश्क की महफिल में एक नाम उसका आता है, इश्क की महफिल में एक नाम उसका आता है, तोड़ा था जिसने दिल, तोड़ा था जिसने दिल, अब हर कोई उसे यही कहकर बुलाता है। अब आजकल मैंने उसके बारे में कुछ सुना है आजकल उसका दिल कुछ गुमसुम होने लगा है, सुना है मेरे एक्स का दिल आजकल कुछ गुमसुम होने लगा है, अपनी एक बंदी को भूल, अपनी अभी वाली बंदी को भूल, मेरी यादों का फ्लैशबैक उसे सताने लगा है। उसका खाली पर्स बंदी के पीछे बता दिया था पैसा, उसका खाली पर्स अब भी थोड़ा सा पछताने लगा है, मगर हमसे दूर रहिएगा जनाब क्योंकि नाचीज का दिल अब किसी और बचाने लगा है। अब किसे सहारा लगा है और वो रहता है, वो जख्मों को मेरे सहता है, वो जख्मों को मेरे सहता है, बिन बोले दिल की हर बात को समझ लेता है, वो जख्मों को मेरे सहता है, बिन बोले दिल की हर बात को समझ लेता है, वो वक्त बेवक्त मेरी कद्र करता है, अब कैसे कहूँ वो पागल दुनिया में होकर मेरे दिल में रहता है। अच्छा अब मोहब्बत होती है तो सीन क्रिएट हो जाता है, तो आप थोड़ा सा सोचिएगा, एक शादी में पार्टी में कोई इवेंट चल रहा है, लड़कों का ग्रुप है लड़कियों का ग्रुप है, इतना सीधा कोई नहीं है कि किसी लड़का लड़की को देख के कमेंट पास ना करे, सीधा कोई नहीं है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, हर की नहीं हूँ हर की नहीं हूँ। तो एक ग्रुप है लड़कियों का, अब एक लड़का दिख गया बड़ा अच्छा लग रहा है अगर आपको समझना तो उस टाइम से एक लिखा था, उस कतलेआम में कई रंजिशें जल सी गई थी और उन्होंने पहना था ब्लैक कलर का शर्ट और एक नजर मानो फिसल सी गई थी। अब वो आए हल्के से, वो हमारे पास आए और बात आगे बढ़ गई, पता उन्होंने क्या कहा, देखो चांद ढल के सूरज निकल आया है, सारी लड़कियां मरती थी जिनका उन्होंने हमें चाय पे बुलाया है। अब भाई मुलाकात हो रही है, अच्छी अच्छी बातें हो रही है, मोहब्बत हो गई, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा हॉबीज क्या है, बोल दिया लिखना पसंद है। अब हर रोज उनको एक नई से नई शायरी चिपकाए जा रहे हैं। अब एक शायरी लिखी, माना कद छोटा है मेरा रंग भी फीका है, मगर मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा जनाब, क्योंकि मोहब्बत करना मैंने अपनी माँ से सीखा है। अब इंप्रेस हो गया, बात बड़ी आगे हुई, काफी टाइम का रिलेशन ना, अब लॉन्ग डिस्टेंस बन गया, चले गए जनाब पढ़ाई करने, लॉन्ग डिस्टेंस है ना, वैसे बैठे एक दिन सोच रहे हैं, आसान है क्या ऐसी मोहब्बत करना जो दिल देखी हो जाती है, आसान है क्या ऐसी मोहब्बत करना जो सूरत से नहीं सीरत से हो जाती है, अरे आसान है क्या ऐसी मोहब्बत करना जो मिल ना मिलने पर भी मिलने वाला फील कराते हैं। हाँ शायद आसान ही होगी क्योंकि कुछ सालों से देखा नहीं मैंने उसे, मगर फिर भी हर रात मेरे सपनों में आते हैं और हर रोज अपनी अपने होने का एहसास कराते हैं, हर रोज सुबह में एक गुड मॉर्निंग कैसे मुझे उठाते हैं और हर रात एक चुन्नी देकर मुझे सो जाते हैं। वो साथ है मेरे मगर साथ नहीं, वो पास है मेरे मगर पास नहीं, लेकिन और हर रात अपने आप को तसल्ली देती हूँ कि शायद आसान है मोहब्बत, और फिर खुद से ही रोकर सोचती हूँ कि क्या आसान है मोहब्बत, हाँ शायद आसान होगी क्योंकि कुछ सालों से मैंने इसे देखा नहीं है, मगर फिर भी हर रात मेरे सपनों में आता है और हर सुबह अपने होने का एहसास कराता है। कब आओगे पूछो तो जान जल्द आऊंगा छोड़कर मुझे मनाता है, खुद रोकर भी मुझे समझाता है, मेरे हर खुशी को अपना मनाता है और अपने हर गम को अपना सहलाता है, और फिर खुद को तसल्ली देकर बताता है कि शायद आसान है मोहब्बत,
शी शायद आसानी मोहब्बत क्योंकि कुछ सालों से उसने भी नहीं देखा है मुझे, लेकिन फिर भी हर रात मैं भी उसके सपने में चले जाती हूँ और हर सुबह अपने होने का एहसास कर जाती हूँ। भाई लॉन्ग डिस्टेंस का एहसास कराते रहना चाहिए वरना अच्छे से कट जाएगा। ठीक है, तो अब है अब एक मोहब्बत जब होती है ना कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं उसमें हमारे में भी है, तो कुछ उसमें ये है वो हमेशा पूछते हैं धर्म धर्म तेरा मेरा अलग है शायद, धर्म तेरा मेरा अलग है मगर मोहब्बत के काफिले पूरी दुनिया में फैले होंगे। धर्म तेरा मेरा अलग है मगर मोहब्बत के काफिले पूरी दुनिया में फैले होंगे। लोग कहते हैं मोहब्बत करो सबसे, लोग कहते हैं मोहब्बत करो सबसे मगर मोहब्बत ना करो किसी धर्म वाले से। लोग कहते हैं मोहब्बत करो सबसे लेकिन मोहब्बत ना करो किसी धर्म वाले से, ऐसे फैसले हमने लोगों से बहुत सुने होंगे। हम यूं ही तो नहीं शायद नफरत मिटाने गए हुए होंगे। अब अगर आप लोगों को याद होगा तो पिछली बार सावन का आखिरी सोमवार और ईद एक साथ पड़ा था, तो सन लिखा था तू सावन में ईद मनाता है, तू सावन में ईद मनाता है और हम भोले का त्यौहार, तू सावन में ईद मनाता है और हम भोले का त्यौहार। उस दिन तो खुदा और ईश्वर भी मिलेंगे, उस दिन तो खुदा और ईश्वर भी मिलेंगे। तू निकला होगा कुर्ता और टोपी में, और हम भी कुर्ती और तिलक में निकले होंगे। दोनों ने धर्म का लिबास ओढ़कर मोहब्बत के काफिले यूं तो नहीं बुने होंगे। तू परेशान होकर पूछेगा कि हम मिले ही क्यों होंगे, और हम बोलेंगे शायद नफरत मिटाने के लिए मिले होंगे। Record your poetry, shayari, story with music only on Nojoto app. Download the app now.